नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास सब प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स का जाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैला हुआ है। संवाददाताओं की इसी टीम के दम पर हम कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भी आपको जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में हमारे संवाददाताओं ने आपको लॉकडाउन के दौरान जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। साथ ही हम इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी गए और आज फिर हम चलेंगे यूपी और जानेंगे वहां लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं और क्या उन्हें जरूरत का सामान मिल पा रहा है या नहीं। आज हम चलेंगे यूपी के प्रतापगढ़, आजमगढ़ और सुल्तानपुर, बदायूं, कासगंज के साथ ही बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, बरेली की और रामपुर की। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, हमारे खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हालात थोड़े से ठीक है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज्यादा है। अभी हाल ही में जो कल रात 28 और नए पॉजिटिव केस इंदौर में मिले हैं। देखिए, जिस तरह से कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि अब धीरे धीरे से हालात सुधरेंगे और जो कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव जो आ रहे थे वो जिस तेजी से आ रहे थे उस पर कम रह जाएंगे और कमी आई भी। कल इंदौर में मात्र 9 मरीज मिले, यहाँ भी 14 या 20 के करीब ही मिले हैं और आज की अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। मेडिकल बुलेटिन आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा मुझे भी संभावना यही दिख रही है कि अब धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट जो ठीक हो जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या इसी तरह प्रतिदिन 20-25-30 इसी तरह से बढ़ेगी, क्योंकि इनका क्वारंटाइन पीरियड जो है 14 दिन का वो पूरा हो चुका है लगभग। और आपने भी इसके पहले बताया था कि करीब 50-60% पेशेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव तो आए हैं लेकिन उनको ठीक तक नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो निश्चित रूप से कोरोना से लड़के बाहर आ ही रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं नवल सिंह बैस और हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं वहां के ब्यूरो हेड अखिल सद्दीकी। अखिल जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो वहां पर अब क्या आलम है, क्योंकि ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जो कि ऑरेंज थे वो अब ग्रीन हो रहे हैं और जो रेड थे वो ऑरेंज हो रहे हैं, यानी कि हालात बेहतर हो रहे हैं और 3 तारीख भी नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है 3 तारीख यानी कि लॉकडाउन के खुलने के दौरान की स्थितियों को लेकर? क्या आपको लगता है, अखिल एसपी त्रिपाठी बोल रहे हो, क्या लगता है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा वहां? जैसा कि यहां के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये अपना मैसेज भेजा है कि अभी हम कुछ जिलों पे लॉकडाउन बराबर बनाए रखेंगे, इस तरह वहां के मुख्यमंत्री ने क्या प्रधानमंत्री को संदेश दिया है कि वो लॉकडाउन बराबर रखेंगे, कुछ जिलों पे रखेंगे या पूरे उत्तर प्रदेश पे रखेंगे? देखिए, अगर हम लॉकडाउन खोलने की बात करें तो मुख्यमंत्री का कहीं ये रुख साफ हो गया था कि अगर देखा जाए तो 30 मई तक बहुत मुश्किल है खुलना, क्योंकि अगर वो खोलेंगे भी जहां रेड जोन है, जो इलाका, जो जिला जो ज्यादा रेड जोन में आ रहा है या ऑरेंज जोन में, उसे काफी सख्ती रखा जाएगा। मई तक का मतलब 30 मई तक? देखिए बिल्कुल, 30 मई तक वो ढील जरूर देंगे। जिन इलाकों में पॉजिटिव केसेस नहीं मिले हैं वहां पे थोड़ा ढील ढाल देंगे, दुकानें खोली जाएंगी सुचारू रूप से, उनके देखा जाए तो ऑफिस से खुलेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंस पर। लेकिन जिन जिलों में पॉजिटिव केस मिले हैं जिसमें 10 से ज्यादा संख्याएं हैं वो बिल्कुल कतई नहीं खोलने जाके, इसकी जानकारी कल ही को दे दी गई थी। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बैठक गिला सीएम का जो 11 बैठक हुई है उसमें भी तस्वीर साफ हो गई थी। आज बॉनी की भी तस्वीर साफ हुई, जिस तरह अभी किसी लोग भवन में पीसी हुआ प्रमुख सचिव ने किया, हेल्थ मिनिस्टर ने किया कि आंकड़े जो मरने वाले की संख्या 50 ऊपर पहुंची जा रही है, 2250 लगभग उसमें पॉजिटिव जो देखा जाए जो संक्रमित केसेस आ गए हैं, 1650 जो है वो एक्टिव केसेस है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में ये केसेस ज्यादा मिल रहे हैं, रेड जोन में है और हॉटस्पॉट है, उसे कतई नहीं खोलने की इजाजत है, लेकिन उससे सोशल डिस्टेंस करने का भी साफ तौर पर निर्देश सीएम ने दे दिया है। सबसे बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश की ये भी है कि जिन सब्जी मंडी, नवीन गल्ला मंडी में जिस तरह भीड़ हुई थी,
सब्जी को लेकर व्यापारियों ने किया था। पूरे प्रदेश के 90 लोगों पर कार्रवाई हुई है, 90 लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी भारी संख्या में लाखों रुपए में जुर्माना ठोका गया है, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी है पूरे प्रदेश के नवीन गल्ला मंडी में। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीरता से ले रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे जो भी हो, चाहे जिस दर्द से हो, चाहे जिस जात से हो, चाहे जिस मजहब से हो, किसी के साथ ये जरूर बख्शा नहीं जाएगा। इस बात की तस्वीर साफ है। रमजान चल रहा है, रमजान को लेकर दुकानों अगर जो दुकानें खोली गई वहां पर अगर सोशल डिस्टेंस का अगर नहीं ध्यान रखा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये एक मैसेज जरूर पास हो गया है। तो अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो 30 मई तक, जिस तरह कल ही मुख्यमंत्री ने साफ तस्वीर की थी कि लखनऊ के अंदर न बाहर कोई आ नहीं जा सकता न जा सकता है, जिसके पास पास है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो काफी अहम बात रखती हो या जो सरकारी अफसर है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को आना और जाना होगा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आगरा की बात कर लीजिए, जिस तरह आगरा में बढ़ते जा रहे हैं, आज केसेस पॉजिटिव आए हैं, साथ लखनऊ में ही नखास में आ गए हैं। एक ही घर में जो नर्स थी उसकी बहन भी पॉजिटिव आई है, उस इलाकों को भी सील किया गया है। तो बहुत मुश्किल है लॉकडाउन खुलने को। बिल्कुल खुलने का तो मुश्किल है, जैसा अंदाज लगाया। सवाल इस बात का है कि कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। अब मरीजों के ठीक होने का अनुपात बढ़ रहा होगा, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके 50-60% एक अनुपात जो आया है, सामने आया है कि 50-60% ऐसे कोरोना पॉजिटिव है जिनपे किसी तरह का कोई लक्षण नहीं पाया गया, छींक तक नहीं आई उनको, और उनको क्वारंटाइन किया, लक्षण उनपे थे, कोरोना पॉजिटिव था और वो ठीक होके बाहर हो गए। तो अब ठीक होने वालों की भी संख्या बढ़ रही होगी लगातार। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, वो संख्या बढ़ रही, 400 ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, मौसम थोड़ा का फायदा दे रहा है, कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज भी किए जा रहे हैं। जिस तरह लोग क्वारंटीन किए गए थे, बाहर से जो मजदूर आए थे 14 दिन पूरा किया, जिन छात्रों ने जो कोटा से आए थे, चाहे अन्य राज्य हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ रखा गया था, उन्हें भी डिस्चार्ज करते, उन्हें भी पूरा जो अवधि थी वो पूरा करने के बाद उनके गृह जनपद भेजा गया है। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने आज भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये कहा कि जो भी वहां पर उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हैं उनकी लिस्ट मुहैया कराई जाए, उन्हें लाने की कोशिश भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जिस तरह वो मजदूर जो है वो पंजाब से आ रहे हैं, चाहे हरियाणा से आ रहे हैं या अन्य राज्य से लाए गए, उन्हें 14 दिन के लिए रखा गया, उसके बाद उन्हें गृह जनपद भेजा जाएगा। लखनऊ में उसकी पूरी व्यवस्था की गई है, उनके जिलों में पहुंचा के, अगर संख्या ज्यादा है तो उनके जिलों में पहुंचा के, गांव से बाहर जो प्राथमिक स्कूलें बनी है वहां पर उसकी व्यवस्थाएं की गई, वहां रखने के बाद ही 14 दिन के बाद अपने घर जाएंगे और 14 दिन फिर घर में भी अकेले ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जो मजदूर फंसे उनको लाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ 1000 रुपए भत्ता भी उनको दिया जा रहा है, राशन किट भी दी जा रही है। दूसरी तरफ ये ध्यान रख सकते, मुख्यमंत्री खुद ध्यान रख रहे हैं कि कोई भूखा ना सो, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी अगर भूखे से मरा तो उसका आला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, उससे कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये मैसेज ये जन जरूर ही प्रशासन के, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो IAS विभाग हो, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, इसका डर जरूर बना हुआ है। तो इस बात को देखने को भी मिला, कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कोई भूख से मरा हो जिसे राशन नहीं पहुंचा है। पुलिस की छवि की बात करें तो बहुत से ऐसे जो खबरें आई है, चाहे वो किसी की बर्थडे पार्टी रहा हो तो उस इलाके की जो पुलिस कर्मी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो उनके घर में जाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, गिफ्ट लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो और भी जो समस्याएं आ रही है, चाहे वो फोन पे भी राशन की अगर PRV से मांगी जा रही है, पुलिस विभाग से मांगी जा रही है, ट्वीट किया जा रहा है, तो पुलिस के विभाग एक अच्छी छवि देखने को मिली है, वो घर जाकर उनके राशन मुहैया करा रहे हैं, डॉक्टरों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी मुहैया करा रहे हैं। तो लॉकडाउन का पालन पुलिस कर रही है, जनता भी उन्हें सहयोग कर रही है और पुलिस भी। और अकील यहाँ थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अकील ये जानना चाहेंगे, कई राज्यों में देखा गया है, मध्य प्रदेश और कई जगह, कि पुलिस कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी बड़ी मात्रा में पॉजिटिव पाए गए हैं, अपना फर्ज निभाते हुए वो संक्रमित हुए हैं, वहां भी क्या पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी ज्यादा संक्रमित हुए हैं? देखिए इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो आगरा में रहा हो, चाहे कानपुर में रहा हो या लखनऊ, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो आए हैं कानपुर और आगरा में पुलिसकर्मी वो योद्धा है। देखिए मुश्किल, वो सुबह से लेकर शाम तक भी जनता की सेवा में लगे, लॉकडाउन को लेकर लगे, चाहे हॉस्पिटल में लगे हैं या अन्य जगह लगाई उनकी ड्यूटी लगाई, वो पूरी ईमानदारी के साथ योद्धा बनकर वो काम कर रहे हैं। और वो भी देखिए उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, वो परिवार के पास नहीं जा सकते हैं, आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भी इस बात का डर बन गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करके, सुरक्षित व्यवस्थाएं करके
शायद वो अपनी ड्यूटी को भी निभा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पुलिसकर्मी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी अपील लोगों से की है कि पूरी तैयारियों के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं, कोई रिस्क ना ले, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन करें और लॉकडाउन का भी पालन करें, जनता से भी दूर रहें, या अधिकारी अगर कर्मचारी अगर ऑफिस और दफ्तर में जाते हैं तो जितना सोशल डिस्टेंस हो सके वो पूरी तरीके से गाइडलाइन को पूरा करें, और काफी ज्यादा भीड़ ऑफिस में दफ्तर में या जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ पर भीड़ ना करें। बिल्कुल, जैसे कि सिद्दीकी जी, अभी हाल ही में चाहे इन्फोसिस के सह संस्थापक हो या फिर पूर्व आरबीआई के गवर्नर हो, इन सभी ने ये कहा है अर्थव्यवस्था को लेकर कि अब हालात ऐसे हुए, अगर थोड़ा सा भी लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता तो हम बहुत पीछे चले जाएं, यहाँ तक कि हर एम्प्लॉय को सप्ताह में 90 घंटे तक काम करना होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ, आपने वहां पर कहा कि जो शहर है जो रेड जोन में है उन्हें बंद रखा जाएगा, तो इसमें तो आगरा, लखनऊ, कानपुर ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखा जाए बंद रहेंगे, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था का क्या होगा? कुछ तो रणनीति बनाई गई होगी। देखिए, रणनीति ये बनाई गई है, चाहे वो आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, इसके साथ साथ नोएडा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, मुरादाबाद हो, ये रेड जोन में है। रेड जोन के इलाका जो हॉटस्पॉट इलाका है उसे पूरी तरीके से सील रहने की अनुमति दे दी गई है, निर्देश दे दिया गया है। जो इलाका में पॉजिटिव केसेस नहीं पाए जाए, वो नोएडा हो, लखनऊ हो, आगरा हो, वहाँ के जो सरकारी दफ्तर है उन्हें खोला जाएगा, सोशल डिस्टेंस से खोला जाएगा, जो जनता की जरूरत की चीजें जो है, चाहे वो दुकान हो, शॉप हो, वो भी खोला जाएगा, लेकिन चीजें बहुत ही सोशल डिस्टेंस का पालन 30 मई तक मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि 30 मई तक हर हाल में पालन करना है। जो अभी देखिए, जो आगरा जो एक्सप्रेसवे का काम पूर्वांचल में चल रहा था उसको भी कल रात शुरू कर दिया गया, लेकिन उस पर भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान पूरी तरीके से रखा गया है। तो सरकार चाहती है जो दफ्तर है हमारे, किसी को विधानसभा इसमें भी मंत्री है या अधिकारी, वो भी आने की अनुमति दे दी गई है, पूरी तरीके से दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन कम, जिनके अगर 10 लोगों की शिफ्ट है तो 3-3 लोगों की शिफ्ट लगाई गई हफ्ते में, सोशल डिस्टेंस का यहाँ भी ख्याल रखा गया, खोलने की पूरी तरीके से कोशिश मुख्यमंत्री इस बात को कर रहे हैं कि अगर हम पूरी तरीके से बंद करेंगे लॉकडाउन, सरकारी दफ्तर को पूरी तरीके से बंद रखेंगे या जिस तरह व्यापार को बंद रखेंगे, तो कहने के बहुत बड़ा लॉस होगा, पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, जिम्मेदार अधिकारी से बैठक कर रहे हैं कि जहां पर रेड जोन है, जहां पर हॉटस्पॉट बनाए गए हैं उसे सील किया जाए, बाकी अनुमति दी जाए, जहां पर कोई भी केसेस नहीं मिले, कोई लक्षण नहीं मिले, कोई बाहर से नहीं आया है, तो उन इलाकों में थोड़ा सा ढील दिया जाए, जहां वो दुकान को लेकर हो, चाहे शॉप हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, तो इस बात का ख्याल किया जाए, आगे की रणनीति तय की जा रही कैसे लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए, जिससे कोई जो सरकार को भी फायदा हो, जनता को भी फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो और इस बीमारी से भी निपटा जाए। चलिए, तमाम जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद अखिल आपको तमाम जानकारी देने के लिए। निर्मल है साथ में। बिल्कुल निर्मल, क्या स्थिति है आज पूरे मध्य प्रदेश की और भोपाल की? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है और जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित होती जा रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं हल्का सा फील गुड महसूस कर रही है। अभी तक अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2625 जो है पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और अगर भोपाल की बात करें तो कल ये आंकड़ा 508 था, आज 8 मरीज बढ़ गए तो 516 का ये आंकड़ा जा चुका है। और एक अच्छी बात यह है, जिसको जैसे कि मैंने जिसको लेकर कहा कि सरकार फील गुड महसूस कर रही है, कि मध्य प्रदेश में 5 दिन में 549 यानी कि 549 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 322 डिस्चार्ज हो गए हैं और 74 आज जो है पूरे एमपी से डिस्चार्ज होंगे, और अकेले भोपाल के चिरायू अस्पताल से 34 मरीज डिस्चार्ज होंगे। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा 30 अप्रैल की जो जाँच हुई थी उसमें 2617 जांच की गई थी, सैंपल लिए गए थे, उसमें से मात्र 2.4% ही पॉजिटिव पाए गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार अब ये मुतमईन कहीं ना कहीं होती जा रही है कि जो सैंपलिंग है और जो रेशियो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने का, वो कहीं ना कहीं जो है कम होता जा रहा है। इस वजह से सरकार अब जो है कहीं ना कहीं ढील देने की सोच रही है। लॉकडाउन 2 चल रहा है, काउंटडाउन हो गया है, 2 दिन बाकी हैं, और यही शिवराज सरकार थी। देखिए, पहली बार जब लॉकडाउन लगाने के बाद, अगले लॉकडाउन को लागू करने के पहले जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन मुख्यमंत्रियों में से शुमार थे जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की थी। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, जो सरकार का रवैया नजर आ रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब 3 तारीख के बाद जो है कई इलाके ऐसे रहेंगे, खासकर ग्रीन जिलों के, जहां पर काफी कुछ स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, सरकार फील गुड में आ रही है, आप नहीं है क्या फील गुड में? जी मैं तो आपके साथ हमेशा फील गुड में ही हूँ। सरकार फील गुड, अगर कोरोना पेशेंट कम हो रहे हैं, ठीक होने वाले बढ़ रहे हैं, तो हम और आप सब फील गुड में रहेंगे। निर्मल आपके पास फिर से आएंगे। विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या इंदौर का
कल बहुत अच्छी खबर इंदौर से आई थी कि सिर्फ 9 पॉजिटिव पाए गए थे, आज की क्या खबर है? आज 300 सैंपल जो स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया था जिसके अंदर 300 के लगभग सैंपलों की जांच हुई थी जिसके अंदर 28 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि आंकड़े लगातार शहर के अंदर कम हो रहे हैं, यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि हम जो उसे तोड़ने में लगभग कामयाब हो रहे हैं क्योंकि जो पेंडिंग सैंपल थे लगातार जो पेंडिंग सैंपलों के बाद अगर देखा गया कि रविवार या सोमवार के दिन बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली थी, यही कारण था कि जो पिछले 15 से 20 दिनों के पेंडिंग सैंपल थे उनकी इकट्ठी लिस्ट यहाँ पर सैंपल होकर आई थी। अब जो पेंडिंग सैंपल है उनकी जो पेंडिंग जो इंदौर के अंदर सैंपल थे वो उनकी सारी रिपोर्ट आ चुकी है। वही राज्य विकास आपकी आवाज कट के आ रही है, विकास आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से बताइए पेंडिंग सैंपल कितने थे, उन सब की रिपोर्ट्स आ गई है क्या, उन सब की रिपोर्ट्स में कितने कुल 24 पाए गए या सारी रिपोर्ट कल की और आज की अलग है? सिर्फ रूप से इंदौर के आ रहा था सैंपल है जो शुरुआती दौर में कोरोना के लिए गए थे, उन पेंडिंग सैंपलों की जांच की रिपोर्ट नहीं आ पा रही थी, यही कारण था कि इंदौर के अंदर लगातार तो पेंडिंग सैंपल लेकर रह गए थे। आपकी आवाज विकास कट के आ रही है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, एक बार फिर निर्मल जी के पास चलते हैं, आप तकनीकी कारणों से कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही उसको ठीक कर लीजिए। जी निर्मल जी, कोरोना के बीच आज एक नई चीज फिर से हुई है और वो है मंत्रिमंडल के विस्तार की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करीब 12 बजे राजभवन पहुंचे और करीब 45 मिनट उन्होंने राज्यपाल से चर्चा की। ये बात बिल्कुल अदादा है कि मुख्यमंत्री हर 10 दिन में गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं, उनको कोरोना को लेकर रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इसी मुलाकात के साथ चूंकि मुख्यमंत्री ने आपको ध्यान होगा जब पहला मंत्रिमंडल का गठन किया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का अब विस्तार जो होगा वो लॉकडाउन के बाद होगा। अब चूंकि 3 तारीख को लॉकडाउन की ऐसी संभावनाएं हैं कि कई जिलों से हट सकता है तो उसी के साथ मंत्रिमंडल की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई विस्तार की और आज उनकी मुलाकात को इसके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 5 मई के आसपास जो है मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, करीब 23 मंत्रिमंडल के सदस्य वो शामिल कर सकते हैं। तो जो खासकर सिंधिया गुट के विधायक हैं उनकी जो है हसरतें एक बार फिर जाग चुकी हैं और वो अब फिर से एक बार मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, खासकर 4 मंत्री जो कि बचे हुए हैं, इसके अलावा 6 अन्य विधायक हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया गुट के जो 22 विधायक टूटे थे उनमें से 10 को मंत्री बनाया जाएगा, तो ये भी आज दिन भर एक चर्चा का विषय रहा। बनाया जाएगा, 2 तो बन चुके हैं, तब 8 ही बचे हैं ना? जी बिल्कुल, अब बचे हुए जो 8 हैं उनको बनाया जाएगा, कुल मिलाकर 10 की संख्या रखी जाएगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में भी देखिए अब जब से सिंधिया गुट बीजेपी से जुड़ा है तो एक अनार 100 बीमार की जो है कहावत चरितार्थ हो रही है। 24 विधायक तो ऐसे हैं जो अभी तक मंत्री नहीं बने हैं बीजेपी के और 4 से लेकर 6 बार तक के विधायक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी में दावेदारों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा एक अन्य खबर की बात करें तो वो भी आज की बड़ी खबर मानी जाएगी। अन्य खबर में आते हैं आपके पास, एक बार विकास जुड़ गए फिर से। विकास एक बार फिर से बताइए जो पेंडिंग रिपोर्ट्स थी पांडिचेरी दिल्ली अन्य जगहों पे वो सारी रिपोर्ट्स आ गई है क्या? जी निश्चित रूप से जो पेंडिंग रिपोर्ट थी इंदौर के अंदर लगातार जो 15 से 20 दिन पहले सैंपल लिए गए थे लगातार पेंडेंसी देखने को आ रही थी, इसके बाद ही राज्य सरकार के निर्देश पर इंदौर जिला प्रशासन ने पेंडुचेरी अहमदाबाद और दिल्ली पे जो सैंपल पेंडिंग थे उनको पहुंचाया था, उनकी लगभग सभी रिपोर्ट आ चुकी है। एक जो लॉट है उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी, हालांकि उसके आंकड़े 100 से ज्यादा नहीं है, तो कह सकते हैं इंदौर के अंदर लगातार राहत भरी खबर पिछले 3 दिनों से आ रही, लेकिन देखने में आ रहा है कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कल भी 4 लोगों की मौत हो गई, तो लगातार जो इस हफ्ते में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आए। इस सप्ताह की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों के अंदर ही 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी, तो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इंदौर के अंदर पिछले दिनों में देखने में आया था, स्वराज एक्सप्रेस भी लगातार उठा रहा था कि जो दोपहर होती है सुबह शाम जो लोगों के घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकल जाते हैं, यही कारण था कि स्वराज एक्सप्रेस की खबर को देखकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जो है उन्होंने खुद आज इंदौर का भ्रमण किया और जिन ऐसे क्षेत्रों में गए जहां लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, जिसको देखते ही मनीष सिंह
कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं इंदौर डीआईजी को कि जो लॉकडाउन का पालन तक नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती एक बार फिर आजमाई जाए। जो लोग घरों से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं ऐसे लोगों को अब अस्थायी जेलों के अंदर डाला जाए, क्योंकि लगातार जो इंदौर है उसमें अब राहत भरी खबर मिलने लगी है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कहीं ना कहीं इंदौर के चूक नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये जानना चाहेंगे कि रेशियो जो ठीक होने वालों का रेशियो और पॉजिटिव पाए का रेशियो क्या बता सकते हैं क्या है? जी निश्चित रूप से अगर इंदौर में पॉजिटिव टोटल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 1513 के लगभग जो है पूरे पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ठीक होने में लगातार इंदौर में रात भरी खबर आ रही है। रोजाना इस सप्ताह में रोजाना 20 से 30 मरीज जो है रोजाना ठीक हो रहे हैं। आज भी अरविंदो हॉस्पिटल और एक अन्य हॉस्पिटल से 40 से ज्यादा मरीजों को जो है अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इनकी जो जांच रिपोर्ट थी वह 2 बार नेगेटिव आई है, यही कारण है कि उनको आज डिस्चार्ज किया जाएगा। 200 से ज्यादा 220 के लगभग जो मरीज हैं कोरोना से जंग जीतकर अब घर वापसी की ओर है और घर वापस पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल विकास, वहां पर 10 डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की गई है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है जो कि गैर मौजूद रहे, क्या कुछ जानकारी है आपको? जी निश्चित रूप से इंदौर कलेक्टर ने जिस तरह से निजी अस्पताल में जो डॉक्टर थे या जो निजी अस्पताल मनमानी कर रहे थे उनको सख्ती दिखाई थी, लेकिन देखने में आया था कि कुछ सख्ती डॉक्टर जो है वो लगातार मनमानी पर है और जो एक महीने से ज्यादा समय हो गया है वो अस्पतालों में अपना जो प्रभार दिया गया है वो प्रभार नहीं संभाल रहे, अपने घरों में ही है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस के जवाब देने के बाद भी जब कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों से फोन लगवाया था तो उन्होंने फोन का जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे 10 डॉक्टरों को कारण नोटिस जारी किए, जिसमें 9 जो डॉक्टर है उनको कहीं ना कहीं उनको कार्य समाप्त करने की भी बात इंदौर कलेक्टर ने कही है। लगातार चेतावनी के बाद भी यह डॉक्टर मनमानी पूर्वक रवैये से अपने कार्यभार को नहीं संभाल रहे। चलिए विकास, विकास बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा संक्षेप में बता दें कि क्या सब्जी वगैरह की दुकानों में कुछ ढील दी गई है कि लोग खरीद सकते हैं कि अभी भी होम डिलीवरी है? लगता विकास से संपर्क टूट गया। जी दरवल जी कुछ अच्छी खबर बता रहे थे, बड़ी खबर। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था। बड़ी है कि अच्छी है? बड़ी खबर है और किसानों के लिए तो वाकई बहुत ही अच्छी खबर है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को कुल 2,990 करोड़ के फसल बीमा की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर दिया है। तो ये एक आज की बहुत बड़ी खबर कहलाई जाएगी और इससे 14,93,000 किसान लाभान्वित होंगे। ये जो राशि है ये खरीफ और रबी के बीमे की राशि है जो कि 2018 से अटकी हुई थी और इसका जिम्मा पूर्ववर्ती अमरनाथ सरकार पर था। दरअसल 2200 करोड़ का जो प्रीमियम भुगतान था मध्य प्रदेश सरकार के हिस्से का वो नहीं किया गया था और आज ही मुख्यमंत्री ने इसको करने के बाद जो चर्चा की, जो अपना बयान जारी किया, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि कमलनाथ सरकार ने ये नहीं किया था और उन्होंने चार्ज लेते ही सबसे पहले इस काम को किया है। तो ये जो कदम है मुख्यमंत्री का, एक तो किसानों को राहत देने वाला है ही, साथ ही जो 24 उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज ये कदम दे सकता है और ये बिल्कुल देखा जाएगा कि जब चुनाव में पार्टी उतरेगी तो इस बात का जिक्र भी। प्रतापगढ़ से दीपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, हमारे वहां संवाददाता है दीपेंद्र, क्या है प्रतापगढ़ की खबर? प्रतापगढ़ में कितने पॉजिटिव पेशेंट हैं, कितने क्वारंटाइन किए गए हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? जी क्वारंटाइन जो है 513 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं और यहाँ पर जो है कुल 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका प्रयागराज में जो है क्वारंटाइन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। जी और 6 लोग ठीक होकर जो है घर भी आ चुके हैं और 3 लोग जो है भी वहाँ पर भर्ती है और इलाज चल रहा है। जी मतलब 6 ठीक हो गए, 9 में से 3 का इलाज चल रहा है। जी 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 तो अभी सैंपल लेने का काम चालू है क्या? अभी सैंपल लिए जा रहे हैं या कुल सैंपल कितने लिए गए प्रतापगढ़ से? जी सैंपल लिए जा रहे हैं, कुल सैंपल जो है 513 सैंपल लिए गए। 513 सैंपल में जो है यहाँ पर 9 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, बाकी सारे सैंपल निगेटिव पाए गए। अभी भी सैंपल लेने का कार्य चल रहा है। जी कोई पेंडिंग सैंपल तो नहीं है? सारे निगेटिव पाए गए 9 के अलावा? जी पेंडिंग में कोई सैंपल नहीं है, सारे निगेटिव पाए गए उसके सिवा। जी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और स्क्रीनिंग कितने लोगों की जा चुकी है अब तक? जी यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो है यहाँ पर 6 बनाए गए हैं, कुछ सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर लगभग 300 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ पर अन्य लोगों को जो है परीक्षण के लिए जो है जहाँ पर सूचना आ रही है लोग दिल्ली से मुंबई से जहाँ से लोग आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर उनको लाकर क्वारंटाइन कर रही है। जी
बिल्कुल दीपेंद्र, लॉकडाउन का असर, आपके पीछे एक बाइक पे दो लोग हैं और साथ में झुंड बना के भी खड़े हुए हैं, कैसा लॉकडाउन है वहाँ पर? जी लॉकडाउन का यहाँ पर जो है जो सुबह का नियम दिया गया है 6 से 10 तक जो है दुकान यहाँ खुलती है, बाकी दुकान यहाँ पर बंद रहती है और जिनको बहुत जरूरी है वही घर से निकलते हैं, बाकी किसी को घर से निकलने की इजाजत यहाँ पर प्रशासन ने नहीं दे रखी है जी। लेकिन आपके पीछे दिख रहा है बहुत सारे लोग, वो 5-6 लोग मोटरसाइकिल साथ खड़े हैं, एक लड़का दौड़ रहा है, तो यहाँ क्या पुलिस सख्त नहीं है क्या? जी जी, यहाँ पर जय गुरुदेव का एक संस्था है जहाँ पर जो है गरीब लोगों के लिए भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर गरीबों को वितरण करते हैं, वही लोग हैं पीछे खड़े हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं जी। चलिए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, बाकी सब्जी वगैरह मिल रही है आपकी शाम को कि सिर्फ वही 3 घंटे मिलती है? जी 3 घंटे जो है सब्जी मार्केट लगती है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर लोग सब्जी खरीदते हैं, बाकी यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है ठेले पर गाँव घूमकर सब्जी लोगों को मुहैया करा रहे हैं, बेच रहे हैं जी। किसान सब्जी ला पा रहे हैं मंडी तक? जी किसान को जो है पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन ने पास बनाकर रखा हुआ है, प्रशासन पास बनाया है, किसान आकर अपनी सब्जी जो है मंडी में बेच सकते हैं जी। चलो तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपेंद्र। चलो निर्मल जी, फिर आपकी बारी आ गई। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना का संक्रमण और कोरोना पर काबू पाना ये तो एक पहलू है, लेकिन इससे बड़ा पहलू ये है कि जो मजदूर जो है लाखों की संख्या में इधर से आ रहे हैं उधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि 35,000 मजदूर जो है मध्य प्रदेश के अब तक जो है मध्य प्रदेश बाहर जो थे वो लाए जा चुके हैं, राजस्थान से 25,000 हैं, गुजरात से 6,000 हैं, उत्तर प्रदेश से 2,000 हैं और महाराष्ट्र से 2,000 हैं। देखिए इनमें खासकर गुजरात जो है वो खासा जो है संवेदनशील इस समय बना हुआ है और अभी भी मध्य प्रदेश के 1,14,000 मजदूर 18 राज्य जो है देश के वहां फंसे हुए हैं। और आज जो है भोपाल के ऐशबाग इलाके से 2 बसों के जरिए झांसी भेजा गया करीब 70 मजदूरों को, तो ये जो मजदूरों की आवाजाही है ये भी आगे चलकर एक समस्या पैदा कर सकती है। और चूंकि इन पर ठीक ढंग से अगर निगरानी नहीं रखी गई, चूंकि मजदूरों का ऐसा माना जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत रहती है, लेकिन तो कहीं ना कहीं वो कोरोना के करियर का काम कर सकते हैं, तो ये एक मतलब खुद बच जाएंगे लेकिन दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है दूसरों को खासकर मध्य प्रदेश की स्थिति जैसे कि सरकार समझ रही है और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि थोड़ा फील गुड भी महसूस कर रही है, तो ये जो सरकार की फीलिंग है ये कहीं गड़बड़ ना कर दे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है कि सरकार अब जो दूसरे राज्यों से मजदूर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1,14,000 मजदूर अभी भी आना बाकी है, तो उनको किस तरीके से सरकार हैंडल करती है ये एक बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगा कि एक अच्छी बात ये कि आज जो है स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना ई परामर्श सेवा की शुरुआत की है, इसके जरिए 104 नंबर पर फोन लगाने पर करीब 5,000 डॉक्टर्स जो हैं देश के वो अपनी सेवाएं देंगे और इस पर जो कोरोना से जुड़ी हुई भ्रांतियां आशंकाएं हैं या समस्याएं हैं तो उनको लेकर जो भी मरीज हैं या जो भी व्यक्ति है वो उनसे सलाह करके मशवरा करके अपनी शंका का समाधान कर। ये 5,000 डॉक्टर मतलब कि 104 में फोन लगाने पे कोई 5,000 में से एक डॉक्टर कोई उपलब्ध रहेगा उस समय? जी बिल्कुल, रैंडमली ये उपलब्ध रहेंगे और 5,000 डॉक्टरों ने अपनी जो है निःशुल्क सेवा देने के लिए सरकार को हामी भरी है। उसमें सिर्फ कोरोना से जुड़ी कि बाकी लक्षणों पे भी कोई और बीमारी को लेकर? देखिए वो लक्षणों के लिए तो अलग से सरकार ने व्यवस्था की है जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जो सेवा है ये 104 सिर्फ कोरोना से जुड़ी हुई आशंका को दूर करने के लिए ही है जी। चले आपके पास मनीष आते हैं एक बार। पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से, आजमगढ़ काफी चर्चित रहा है और आजमगढ़ से चूंकि मनीष यहाँ पर 1,000 के तकरीबन सैंपल लिए गए, आजम खान जो कि अभी हवा खा रहे हैं जेल की, वहां पर जो लिए गए थे जो 1,000 के तकरीबन सैंपल, 955 की रिपोर्ट आ गई, 8 पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी जो शेष रिपोर्ट रह गई थी उनका क्या स्टेटस है वो बता दीजिए जी। आपको बताते चले मरकज से लौटे 3 जमाती मुबारकपुर मदरसे में आए तीनों जमाती पाजिटिव पाए गए और सफल बात आपको बता दें इनके संपर्क में आए हुए कई परिवार के पास। आप माइक थोड़ा पास करिए, आवाज आपकी नहीं आ रही ढंग से। ये आपको बताते चले मरकज से लौटे 3 जमाती मुबारकपुर मदरसे में आए तीनों जमाती पाजिटिव पाए गए, इनके संपर्क में आए हुए कई परिवार के 5 सदस्य भी पाजिटिव निकले, सभी पाजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड सीजीआई के 500 में रखा गया है।
टोटल पॉजिटिव की संख्या 8 है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात आपको बता दें कि 6 निगेटिव निकल चुके हैं। 8 में से 6 ठीक हो गए हैं जी, 6 निगेटिव हो चुके हैं और क्वारंटाइन कर दिए गए 14 दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि दो ही पॉजिटिव आजमगढ़ में है। चलो टोटल सैंपल कितने लिए गए आजमगढ़ से? जी लगभग 2200 के आसपास, जैसे हरियाणा से आए हुए और प्रयागराज से आए हुए और मध्य प्रदेश से आए हुए सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, लगभग 2200 के आसपास है। ये तो स्क्रीनिंग हो गई, सैंपल कितने लिए गए? सैंपल सर आपको बताते चले कि हाँ हाँ जेब से निकाल लीजिए, बता दीजिए आराम से। 10 टोटल सैंपल 1085 लिए गए, जिसमें 998 निगेटिव है और 87 प्रतीक्षारत है और 2 पॉजिटिव पाए गए। जिस तरीके से मनीष कल ये रिपोर्ट आई है, कल की खबर है 30 तारीख की, और इतनी जल्दी ये लोग नेगेटिव भी हो गए, ठीक भी हो गए, कि पहले से इलाज चल रहा था, पहले से ये संदिग्ध मानकर इनका इलाज ट्रीटमेंट चल ही रहा था। ये आपको बता दें कि 22 मार्च को जिस दिन जनता कर्फ्यू थी उसी ट्रेन द्वारा मरकज से आए हुए एक मस्जिद में छिपे हुए थे, और यही पुलिस प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग को पता लगा और उनके पाँव खोलने लगा, तुरंत उनकी जांच कराई गई और वो पॉजिटिव पाए गए। अभी टोटल संक्रमित कितने हैं? टोटल संक्रमित 8 है, लेकिन प्रशासन द्वारा पहले के अभी 8 शेष बचे हुए हैं। नहीं अब नहीं है, अब 8 टोटल पाए गए थे, जिसमें 6 ठीक हो गए, 2 बचे हैं। जी जी, 2 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया घर के लिए। जी 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 बिल्कुल मनीष जी, बाकी क्या स्थिति है? राशन सब्जी इनकी दुकानें खुल रही हैं, कैसे लोगों को उपलब्ध हो रही है? आपको बताते चले कि रमजान को देखते हुए 2 पालियों में आगे मेरे दुकान खुली जा रही है, 1 तो 7 से 10 और 2 से 5। और सब्जी और फल और दवा के लिए तो कोई हमेशा छूट है, दवा सुबह से लेकर शाम तक खोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जी और राशन और फल के लिए 7 से 10 और 2 से 5। जी चूंकि आजमगढ़ एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर करीब 60-65% वहां पर रहते हैं, ऐसे में रमजान के वहां पर चल रहे हैं, चूंकि महीना चल रहा है और ऐसे में रोजे रोक लग रहे हैं, तो वहां पर सुविधाएं प्रशासन ने क्या कुछ की हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, क्या अजान के समय कुछ ज्यादा पहुंच रहे हैं लोग, क्या कोई तादाद तय की गई है, क्या कुछ है? मस्जिद में तो लोग नहीं पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने। जी आपको बता दें कि मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है और घर से ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और सबसे बात आपको बता देना चाहते हैं कि जिस इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूरे इलाकों को सील कर दिया गया, हॉटस्पॉट इलाका घोषित कर दिया, उस इलाके में कोई आ जा नहीं सकता है, तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नहीं जा सकती है, और उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो ठेले से सब्जी और ठेले से ही जो है राशन और चेक फोन करने से ही डॉक्टर द्वारा या खुद कप्तान दवा लेके सबको पहुंच रहे हैं। चलिए मनीष जी, जी मनीष जी, आजमगढ़ आजम खान जी के नाम से बहुत चर्चित है, आजम जी की क्या स्थिति है, कहाँ है आजम खान? तो इस समय जेल में है ऐसा सुनने में आया, लेकिन आजमगढ़ में जो आजम खान की धरती नहीं बोली जाती है, सिवरी नोमानी की धरती बोली जाती है, धरती बोली जाती है, लेकिन हाल ही में उन्हीं के नाम से चर्चित है, लेकिन उनका परिवार, हालांकि वो तो जेल में ही है, परिवार भी शायद जेल में ही है। जी पूरा परिवार जेल में है और उनका बहुत पुराना रिश्ता था आजमगढ़ से। जी 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 चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। निर्मल जी देखिए, अगर इस समय की और एक अन्य बड़ी खबर की बात की जाए तो अब सभी की निगाहें जो है, पूरे प्रदेश की निगाहें उस बैठक पे हैं जो इस समय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 5 बजे से बैठक मंत्रालय में शुरू हो चुकी है और ये बैठक, जैसा कि हम आप और हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि ये बैठक जो है लॉकडाउन को हटाने को लेकर है, किस जिले से लॉकडाउन हटेगा, किस जिले से नहीं हटेगा, हटेगा तो किन शर्तों पर हटेगा, इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री इस समय विमर्श कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ। और तमाम जितने भी 52 जिले हैं, हर जिला कलेक्टर से सरकार ने कल तक रिपोर्ट मंगा ली है, तो उस पर एक गहन मंथन चल रहा है और इस बारे में आपको हमारे अगले रिपोर्टर अरविंद चौहान विस्तार से जानकारी देंगे। जी तो आप क्यों नहीं देंगे? देखिए अभी इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। चलिए चलिए, उनके पास से जानकारी है, निश्चित तौर पर अरविंद जी से जानकारी लेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा स्थिति अनुकूल हो रही है और जो आज बैठक होगी, कल परसों 3 तारीख है, परसों निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी भी अपना संदेश देंगे, आगे केंद्र के स्तर पे क्या होना है, आगे बढ़ेगा नहीं, जैसे उम्मीद पहले ये था कि बढ़ सकता है और बढ़ेगा, और बढ़ सकता है, लिस्ट जारी हुई थी, लोग अभी की 3 तारीख से 21 तारीख तक फिर हो सकता है, तो हमें लगता है पूरी तरह से तो नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन जारी रहेगा, हमें नहीं लगता है कि ट्रेन वगैरह चलेंगी, अभी परिवहन
को पूरी तरह से ओपन किया जाएगा, ऑन व्हीकल खुद के व्हीकल से अपनी व्यवस्था से। अब ऐसी स्थिति में जब नहीं चला तो जो मरता क्या न करता, एक कहावत कहलाती है, लोग पैदल ही 1,000-1,200 किलोमीटर चल के आ गए और वो भी अभी बॉर्डर में फंसे हुए हैं। तो सबसे अगर विकट स्थिति इस दौरान हुई है तो वो हुई है मजदूरों की, जो रोज मर्रा रोज अपने लिए रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज की कमाई अपना परिवार पालते हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। और इसमें ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनके अप्रोच नहीं है तो उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं बन पाए हैं। आप भी जानते हैं कि बीपीएल कार्ड बनाने के लिए भी अच्छी खासी अप्रोच चलती है, छत्तीसगढ़ का बीपीएल कांड पूरा सरकार ही बदल गई। तो अब उन पे बहुत स्थिति है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको जो बीपीएल कार्ड धारक है गरीबों को उन्हीं को उनके खाते में पैसा पहुंचाने, जनधन खाते में पैसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है उनके सामने पूरी तरह से भुखमरी की स्थिति है। लेकिन जैसे कि आपने ट्रेन का जिक्र किया, ट्रेन एक धमनियों की तरह भारत की है, अगर ये नहीं चली तो मुझे ज्यादा शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी परिवहन को आम परिवहन माने जो सामान ला रहे हैं लोडिंग वगैरह ये चलते रहेंगे, उनको तो चलते रहेंगे, लेकिन आम आदमी को कि यहाँ से आपको इंदौर जाना है तो आपने बालबो में बस में टिकट ले लिया वो नहीं हो पाएगा। मुझे फिलहाल 15 मई तक तो फिलहाल मुझे लगता है। जी अरविंद जी, कुछ कालर आप मजबूत कर रहे हैं, क्या है कालर में कुछ नई खबरें? बस ये है कि 2 दिन शेष रह गए हैं अभी लॉकडाउन में और सरकार पूरी मजबूती के साथ इस लॉकडाउन से निपटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बार 2 दिन से कैसे कह सकते हैं, बढ़ा दिया 13 दिन और तो फिर नहीं, वो संभावना है तो कह सकते हैं 13 दिन हो जाए या 10 दिन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अब जो आधिकारिक बयान आया है प्रधानमंत्री का वो तो अभी 3 मई तक के लिए है, लेकिन जो अभी से लोगों ने राज्य स्तरीय पे चूंकि ये कयास लगाया जा रहा है जो सूत्र पर पूरा टिका होता है और सूत्र के हिसाब से जो अभी तक संदेश आ रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर ये है कि अब राज्य सरकारों को ये कह दिया गया है कि वो अपने अपने हिसाब से पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरे देश की बात करें तो इस समय जो सबसे ज्यादा ग्रीन जोन है, ग्रीन जिले हैं, ग्रीन सिग्नल्स हैं वो सबसे ज्यादा है, लगभग 300 से ऊपर जिले पूरे देश के हैं वो ग्रीन सिग्नल में आते हैं, ग्रीन जोन में आते हैं, इसके बाद 200 से ऊपर है वो ऑरेंज में है और रेड जोन की संख्या है पूरे देश में वो 130 है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब 130 से अगर 100 की बात करें, 300 की बात करें तो ग्रीन जिले ज्यादा है, इसलिए पूरे देश में अब लॉकडाउन की संभावना तो नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा जिले हैं वो ग्रीन हैं और ऑरेंज हैं, और अगर पूरे देश को लॉकडाउन किया गया तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जान है जहान का जो फॉर्मूला प्रधानमंत्री का था वो जरूर बाधित होगा। इसी के चलते कह सकते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थितियां तो नहीं बनेगी, लेकिन साफ तौर पर जो 109 जिले हैं जिसमें 130 जिले हैं माफ करना उसमें 9 जिले अपने मध्य प्रदेश के हैं, और सबसे बड़ी संकट का यही है कि वो उन 9 जिलों में सबसे बड़ी जो महानगर है चाहे वो इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर सहित देवास को भी शामिल किया गया है, तो इनसे आवागमन टोटली रूप से बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में ये जो 9 जिले हैं वो बिल्कुल पूरी तरह लॉकडाउन। अभी भी ये जो 9 है जो ग्रीन जोन है निश्चित तौर पर ग्रीन जोन बेहतर है, लेकिन ये 9 जोन वाले अगर पूरी तरह सख्ती नहीं है तो 9 जोन के लोग ग्रीन जोन को भी रेड जोन में बदल देंगे। हाँ। निश्चित तौर पर कहेंगे, इसीलिए यहाँ पर सख्ती ज्यादा की जा रही है। अभी ये हाल फिलहाल एक उदाहरण आया है, ग्वालियर में सिर्फ एक पॉजिटिव मिला है और वहां पर पूरे ग्वालियर को लॉकडाउन बदल बिल्कुल कह सकते कर्फ्यू में बदल दिया गया है, वहां के जो कलेक्टर है वो खुद ग्वालियर को रेड जोन में भी रख दिया है जबकि वहां पेशेंट बहुत कम है, 1 या 2 है, बहुत कम पेशेंट है टोटल मिला के, वहां लगभग 9 से 10 पेशेंट मिले थे जिसमें से 8 पेशेंट ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर चूंकि उसके पास बिल्कुल 30 किलोमीटर दूर है मुरैना है, मुरैना में बराबर पेशेंट निकल रहे थे लेकिन वो ठीक भी हो रहे थे, मुरैना में कह सकते हैं कि 2 पेशेंट अभी एक्टिव है, बकाया सारे पेशेंट ठीक होकर घर चले गए हैं, इसके बावजूद भी। अरविंद आपकी अनुमति हो तो सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता महेश द्विवेदी खड़े हैं उनसे बात कर ले फिर आपके पास आए। जी जी अवधेश मिश्रा है, माफ करिए बदायूं से, अवधेश वहां पर बदायूं में संक्रमित लोग मिले हैं, कितने संक्रमित मिले हैं, कितने क्वारंटाइन किए गए हैं, सैंपल कितनों के लिए गए हैं, रिपोर्ट कितनों की आई है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरा कोरोना के महामारी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बदायूं में अब तक 589 कुल मतलब सैंपलिंग हो चुकी है जिसमें 181 लोग जो है मतलब जो है रिपोर्ट मतलब आ चुकी है उनकी, 108 जो है अभी पेंडिंग रिपोर्ट है और 16 लोग जो है उनमें कोरोना पॉजिटिव मिले थे जिनके लिए जिनकी जो मतलब दोबारा में रिपोर्ट हुई थी। तो आराम से बोलिए, बिल्कुल आराम से, हमारी तरफ मत देखिए, आप उसको पूरा पढ़ के बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए जिससे एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, माइक भी थोड़ा पास में कर लीजिए।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बदायूं में अब तक 589 कुल पेशेंट थे, जिनकी जो है 108 जो है अभी तक रिपोर्टें नहीं आई हैं, पेंडिंग आई हैं, बाकी सभी की रिपोर्टें आ चुकी हैं, नेगेटिव आ चुकी हैं। और आपको बता दें जिसमें जो है 16 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें दो की दोबारा जब रीजांच हुई थी तो उनमें दो की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, उनके लिए अभी मतलब 30 रिपोर्ट उनकी आना बाकी है। जी मतलब 16 कह सकते हैं संदिग्ध है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया है। नहीं, 16 पॉजिटिव थे, जिनमें जो है मतलब दो की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है सर, उनके जो मतलब द्वारा जो है उनकी रिपोर्ट जांच आएगी, उसके बाद जो उनके लिए डिस्चार्ज किया जाएगा। मैंने 16 डिस्चार्ज हो जाएंगे? नहीं, दो की सर रिपोर्ट मतलब नेगेटिव आई है सर, बाकी 14 जो है पॉजिटिव है। 14 पॉजिटिव में, 2-3 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और साथ ही वहां पर अब स्क्रीनिंग का कार्य कैसा चल रहा है, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? आपको बता दूं कि बदायूं में अलग अलग जगह जो है बाहर से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग जगह पे जो है मतलब क्वारंटाइन किया गया है, उनकी जो है सैंपलिंग हो रही है, जांच की जा रही है उनके लिए, और उनके लिए जो मतलब रहने वगैरह की व्यवस्था है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि जगह मतलब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए जगह कम पड़ रही है, तो उनके लिए और जगह की व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पर मजदूर वर्ग भी बहुत रहता है जो कि हरियाणा और अन्य जगहों से वापस आ रहा है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए क्वारंटाइन किया गया है, बदायूं में भी कल 2-3 जगह तो क्वारंटाइन किया गया है, सहसवान में किया गया है, बिसौली में किया गया है, और जो मतलब लगातार जो आ रहे हैं उनके लिए भी क्वारंटाइन की जा रही है, उनकी भी जाँच की जा रही है। चलिए अब फिर आगे चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब साहब सारी जानकारी देने के लिए। जी अरविंद जी, हाँ साफ तौर पर दीपक एक बात यहाँ देखने को मिल रही है कि अगर पूरे जो अपने मध्य प्रदेश के 4 महानगर हैं उन्हें तो रेड जोन में कन्वर्ट किया गया है, रेड जोन घोषित किया गया है, तो वहीं जो मुरैना पड़ता है चंबल अंचल में आता है, लेकिन उसे रेड जोन को घोषित नहीं किया गया है। तो साफ तौर कई पेशेंट है ये सबसे ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेड जोन के मापदंड है वो थोड़े से कहीं ना कहीं वो भ्रमित करने वाले हैं, कि अगर एक तरफ बात करें तो बराबर मुरैना में बहुत सारे निकल रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें रेड जोन नहीं घोषित किया गया, इसके बाद भी आप कह सकते हैं मेरे पास जो लिस्ट है वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी उज्जैन को किया गया है, जो रेड जोन में जो जिले अभी आए हैं शामिल किए गए हैं उसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी और ईस्ट निवाड़, देवास और ग्वालियर। सवाल यही है कि खरगोन भी नहीं है, खरगोन भी नहीं है, तो ये समझ ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ये भ्रम पैदा करने की स्थिति हल्की सी है कि खरगोन नहीं किया गया, जबकि खरगोन में बराबर ये ये मरीज मिल रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं जबलपुर के आसपास भी, सिर्फ जबलपुर को छोड़कर सारा जो वहाँ बेल्ट है उसे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कन्वर्ट किया गया है। तो लेकिन एक चिंता का विषय पूरे प्रदेश के लिए है कि पूरे प्रदेश में ये जो चारों कोने हैं जबलपुर और ग्वालियर, इंदौर और भोपाल, इसके मालवा पूरे कोरोना संक्रमण से ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जो मालवा है पूरा इंदौर क्षेत्र है, उसमें उज्जैन भी शामिल है, वही धार भी उसी में शामिल है, साथ में ईस्ट निवाड़ भी शामिल है, इसके बाद भोपाल भी पास में 250 किलोमीटर दूर भोपाल लगता है। तो ये पूरा जो एरिया है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोरोना पॉजिटिव ज्यादा नजर आ रहा है, इसी के चलते इन जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है। लेकिन अगर यहां से आवाजाही होती है तो निश्चित तौर पर कहेंगे जो रेड जोन 8-9 जिले बनाए गए हैं उनमें इनमें आवागमन नहीं होगा, और जो ग्रीन जोन है ग्रीन जोन में कहा गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर और 12 बजे तक यहाँ पर आवाजाही रहेगी। लेकिन अब यही है कि आवागमन कैसे होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटल बंद किए हुए हैं, ट्रेनों की स्थिति ठीक अभी है नहीं, ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुनने में जरूर आ रहा है कि 10 मई के बाद वो ट्रेनों को शायद वो चालू करेंगी, और जो अपना हवाई सेवाएं हैं उन्हें भी 10 मई के बाद बुला लिया गया है, जो उनके अधिकारी हैं। अरविंद, ऑरेंज जोन में क्या होगा, क्या क्या स्थितियां रहेंगी, खुलेगी नहीं खुलेगी ऑरेंज जोन में? हम आपके पास आते हैं, हम नोएडा चलते हैं। बिल्कुल, नोएडा से कैलाश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्या हाल है, पूरे नोएडा के क्या हाल है, और साथ ही साथ ये जानना चाहूंगा कि संक्रमितों का संख्या वहां पर कुछ कम हुई है या नहीं? जी देखिए, संक्रमितों की संख्या कम तो होती जा रही है, पर पिछले 2 दिनों से लगातार जो बढ़ोतरी आ रही है वो एक चिंता की बात है। अभी कल 1 पेशेंट आया था और परसों 14 पेशेंटों की एक साथ बढ़ोतरी से देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन के माथे पर एक बार बल पड़ गए हैं। आज भी सुनने में आ रहा, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8 पेशेंटों के आने की कुछ सूत्रों से खबर मिल चुकी है। और आज, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या खबर मिली, आज कितने आ गए और पॉजिटिव? जी अभी तक जो पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन 8 पेशेंटों के आने की संभावना है। जो अभी तक प्रशासन की जो गोपनीय सूत्रों से खबर मिली है वो 8 पेशेंटों की खबर मिली है अभी तक। चलिए, और सैंपल कितने लिए गए वहाँ?
जी अभी तक टोटल गौतमबुद्ध नगर में देखा जाए तो 155 पेशेंटों की पुष्टि हो पाई है, जिनमें से 81 पेशेंटों को अभी तक यहाँ से डिस्चार्ज किया जा चुका है। और पेशेंटों को कितने लिए गए? 181 तो पॉजिटिव पाए गए हैं आप बता रहे हैं जी। करीब जो सैंपल है 300 से ऊपर जो सैंपल लिए गए थे उनमें से ये 81 को इनकी छुट्टी कर दी गई है, बाकी अभी क्वारंटीन सेंटर में है। मेरे सामने जो देख रहे हैं, मैं अभी गलगोटिया के सामने ही हूँ, यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर उन सभी पेशेंटों को रखा गया है जो क्वारंटीन में रखे गए हैं जी। जी कैलाश नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वहाँ इंडस्ट्री कुछ चालू है? जैसा केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ मजदूरों के साथ आप काम चालू कर सकते हैं जी। देखिए अभी जो गौतम बुद्ध नगर है उसको हॉटस्पॉट में घोषित किया गया है, वो रेड जोन में है अभी फिलहाल। अभी है किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री को चलाने का अभी कोई परमिशन नहीं दी गई है। हो सकता है कि शायद एक दो दिन में जो ग्रीन जोन है उनमें किसी तरह की परमिशन दे दी जा सकती है, या अभी कुछ छूट मिलने की संभावना है, पर अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी छूट का कोई भी परमिशन अभी नहीं आई है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कैलाश देखा जाए अब तक शून्य मृत्यु दर, शून्य है, कोई भी अभी किसी भी व्यक्ति की कोरोना की वजह से जान नहीं गई है, क्या आंकड़ा ये अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत यहाँ के लिए प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी तक एक भी पेशेंट की कोरोना के चलते कोई मृत्यु नहीं हो पाई है, पर पेशेंटों की दर भी घट रही है दिन पे दिन। अगर देखा जाए तो जिन प्रशासन ने जो अपने उपचार दिया है उस तरह जिस तरह से यहाँ के जो सभी सीमाओं को सील किया गया है, दिल्ली से सदा होने के कारण यहाँ पर इसकी सीमाएं सील कर दी गई है, यहाँ पर जो पुराने पास थे उन सभी को नष्ट कर दिया गया था और नए पास की पूरी बारीकी के साथ बनाए गए थे, और एक डीआईजी अधिकारी लेवल के अधिकारी को यहाँ पर पास बनाने के लिए लगाया गया था, इस वजह जो अनदर पास थे वो सब इस तरह के कैंसिल कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा अनुभव इनको मिल रहा है जिससे पेशेंटों में कमी आ रही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। एक बार फिर ऑरेंज जोन में क्या होना है अरविंद जी? जहाँ तक संभावना है, क्योंकि अभी इसको अधिकृत पत्र नहीं आया है, जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से अधिकारियों से बात हुई है, जैसा कि कल नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी था, उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की थी जब हम कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि अब जो कोरोना है ये इसका संक्रमण ग्रामीणों तक पहुंचने लगा है, गांव तक पहुंचने लगा है, आम आदमी तक पहुंचने लगा है, किसानों तक पहुंचने लगा है, तो क्या कर रहे हैं आप? तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि एक बीमारी है और निश्चित तौर पर अब हमें कोरोना की संक्रमण के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी और इसके से बचाव करना पड़ेगा। लॉकडाउन कोई हल नहीं है, यातायात को बाधित करना, यातायात को रोक देना, लोगों को एक जगह बांध देना हल नहीं है। अब हम कहीं ना कहीं हमें बचाव के साथ ही काम करना पड़ेगा, कोरोना के साथ ही हमें रहना पड़ेगा और उससे लड़ना पड़ेगा। ये इस पर संदेश था तो उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, सारे दिन की बैठक यहाँ मुख्यमंत्री के साथ होती है, आज भी एक बड़ी बैठक उन्होंने की है, जो विधायक हैं उनके साथ की है, इसके साथ अधिकारियों के साथ विधायक की है, और कोरोना पर पूरा, क्योंकि अब बिल्कुल कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, 3 मई को 12 बजे प्रधानमंत्री का जो संदेश उन्होंने दिया था पूरे देश को लॉकडाउन करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा, पूरी जो गेंद है वो पूरा कह सकते हैं राज्य सदन के पाले में है, राज्य सरकारों के पाले में है। तो अब राज्य सरकार को ये देखना होगा कि हमें किस प्रकार काम करना है, उसी के चलते पिछले 3 से 4 दिन से 30 मई तक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि 30 मई तक हम ये इसका चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने 3 मई तक कर दिया तो 3 दिन और दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी वजह यह और सबसे बड़ा यह संकट इनके ऊपर यह है कि जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है, इनमें आवागमन कैसे हो, क्योंकि अगर रेड जोन का कोई बंदा ग्रीन जोन में चला जाता है तो वो तुरंत जाके रेड जोन हो जाता है। जो अभी रेड जोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो अभी लिस्ट जारी की है रेड जोन की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भ्रम भी पैदा कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जैसे मुरैना, मान लो मुरैना बहुत ही संक्रमण अरविंद हमारे साथ रामपुर से अशोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, लेकिन धन्यवाद आपको, आप और जानकारी फिर बाद में ले लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अशोक रामपुर से ही जयप्रदा चुनाव जीत रहे जी। अशोक जी क्या खबर है रामपुर से? जी सर, रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में अब तक 908 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका जोहर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। 24 पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल सैंपल कितने लिए गए, फिर से एक बार बताएं? 908 सैंपल लिए गए हैं जी। और इनमें से 24 लोग पॉजिटिव हैं, जिनका जोहर यूनिवर्सिटी में अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। चलिए, तो 24 में से कुछ ठीक होने की स्थिति में भी आ गए क्या?
जी जी बिल्कुल सर, दरअसल में जौहर यूनिवर्सिटी में प्रशासन द्वारा 250 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें जो पॉजिटिव मरीज है वो रखे जा रहे हैं, और जौहर यूनिवर्सिटी में ही 100 बेड का एक क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है, जिसमें जो है जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनको रखा जा रहा है, जिससे जो है 230 लोगों को कल डिस्चार्ज किया गया है। इसमें 5 लोग पॉजिटिव थे, जो कि 5 लोग बाहर के रहने वाले हैं। और ये जो 24 थे, ये संक्रमित हुए कैसे, क्या बाहर से आए हुए थे या फिर जो वहाँ पे जमातियों के कारण या फिर वहीं पे किसी से संक्रमित हुए? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि इसमें से जो 5 लोग थे वो जमाती थे, जो कि मुरादाबाद से हल्द्वानी जा रहे थे, जिन्हें टांडा में पुलिस द्वारा रोका गया था और उनको टांडा सीएससी केंद्र में क्वारंटाइन किया गया था। फिर उनकी सैंपलिंग की गई, फिर उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उनको जौहर यूनिवर्सिटी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद में उनको जो है डिस्चार्ज किया गया है। मतलब 14 दिन वो भर्ती रहे? जी जी जी, 14 दिन भर्ती रहे, क्योंकि सभी तहसीलों में प्रशासन द्वारा स्कूल है। ये जमाती रुके कहाँ थे? जी ये जो है मुरादाबाद से निकले थे हल्द्वानी के लिए, और इन्हें टांडा तहसील में जो है पकड़ा गया था पुलिस द्वारा। अच्छा, तो इनके संपर्क में नहीं आए थे रामपुर के रहने वाले कोई? जी जी नहीं, रामपुर से नहीं, और ज्यादातर 24 लोगों में जो लोग हैं सब लोग ज्यादातर बाहर के हैं, मात्र इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो रामपुर के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो जिला अस्पताल में तैनात थे, एक सफाई कर्मचारी हैं और एक लिफ्ट में ड्यूटी थी उनकी, जिन्हें जो है पॉजिटिव आए हैं। बाकी चले रामपुर में, रामपुर में सामान किराने का खाने पीने का सामान मिल पा रहा है सस्ता से? जी सर बिल्कुल, बताना चाहूंगा रामपुर में जिला प्रशासन द्वारा जो खाने पीने की खाद्य सामग्री है उन लोगों के लिए जो है पास जारी किए गए, मेडिकल स्टोर है, सब्जी के लोग हैं, जो फल विक्रेता है, उन सभी के लिए लगातार कंटिन्यू डीएम द्वारा पास जारी किए जा रहे हैं, वो घर तक जो है लोगों तक सब्जी पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी किसी भी दुकान को खुलने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है, और यहाँ तक की बात की जाए तो दवाइयों की भी होम डिलीवरी यहाँ पर समय से की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, और इसके साथ ही लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है, और यहाँ पर लोगों से ज्यादातर यही अपील की जा रही है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, बहुत बहुत आप भी सुरक्षित रहिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सर, संजय जुड़ गए, संजय डॉगर दुबे जी, जिस तरीके से नगर निगम बुलेटिन क्या कहता है। बिल्कुल, लेकिन संजय उससे पहले एक जानकारी हो आपको, जो हॉटस्पॉट जो बनाए गए हैं या सीज किए गए हैं जो क्षेत्र, स्टार्टिंग में तो उनमें काफी कुछ देखने को मिला, नंबर नाम जो भी बाहर निकल रहा था लिख रहे थे और सब कुछ पूछ रहे थे बच्चे, लेकिन अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई आए कोई जाए, 2 रास्ते ब्लॉक कर दिए, उसके अलावा कोई आए कोई जाए, उन इलाकों में कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई गार्ड बैठने को मिलता ना ही कुछ। बिल्कुल दीपक, हाँ तो अब देखा जाए क्योंकि 35 दिन हो गए हैं, और जिस प्रकार से देखा जाए तो अब आदमी को कोरोना के प्रति अब खुद को जागरूक होना पड़ रहा है। अगर आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि कुछ जैसे 52 वार्ड जो थे अपने यहाँ के, मतलब राजधानी के 52 वार्डों को रेड जोन में रखा गया था, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट मिले थे, अब जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन की नगर प्रशासन की देखने को मिल रही है, लेकिन अब आदमी खुद जागरूक हो गया है कि अगर जहाँ पे क्वारंटाइन करके रखा गया है वहां पे बैनर पोस्टर लगे रहते हैं उसको देखकर आदमी ये जानता है कि हाँ यहाँ पे क्वारंटाइन जो कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट है वो रहता है, और वो खुद उससे दूरी बनाए रखना तो उसके लिए अब जरूरी हो गया है। दीपक, ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि अब थोड़ी सी जो नरमाई देखने को मिल रही है और सड़कों पर अब जो भीड़ देखने को मिल रही है, अभी आज से 35 दिन पहले तक जो सन्नाटा हुआ करता था, आज जिस प्रकार पुलिस प्रशासन की भी बात कर ले तो पुलिस प्रशासन को भी जिस प्रकार आज ही एक आदेश हुआ है कि अब जो 5 थाने हैं जहां पे क्वारंटाइन को लेकर काफी बड़े क्षेत्र में जो क्वारंटाइन किया गया था, या वहां पे काफी बड़े क्षेत्र में जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, उन 5 थाना क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारियों को यह बोला गया है कि अब वो घर से काम कर सकते हैं, कुछ दिनों की उनको भी छुट्टी दी गई है। अगर ये बात करें तो राजधानी के ये 5 थाने हैं, जिसमें जहांगीराबाद, ऐशबाग थाना, तलैया, शाहजहांबाद थाना, ऐसे मिला के 5 थानों के कर्मचारियों को जिस प्रकार से अगर घर से काम करने की छूट दे दी जा सकती है, तो आप दीपक इससे समझ आ सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब कोरोना को लेकर कहीं थोड़ी बहुत नरमाई दिखाई दे रही है। लेकिन दीपक, अब कैसे पुलिस कैसे घर से काम करेगी, कोई कंप्यूटर के मार्फत थोड़ी है सर, पुलिस के अधिकारियों की बात हो रही है। रोकेंगे हम आपको, बरेली से फिर अशोक शर्मा जी जुड़ गए। अशोक जी, क्या खबर है बरेली की? देखिए मैं आपको बता दूं, बरेली के अंदर इस समय जो है रेड जोन में आ चुका है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अभी
दो पॉजिटिव और मिले हैं जो कि हजियापुर क्षेत्र के हैं। और इसको लेकर के अभी जो जांच हुई थी वो राममूर्ति में, जिसमें तीन डॉक्टर और तीन नर्स जो सामने आई है, उनकी रिपोर्ट अभी बाकी आनी है। नहीं, कुल कितने वहाँ पॉजिटिव है बरेली जिले में? बरेली जिले में इस समय हमारे पास जो तीन पॉजिटिव है, जितने क्लियर है इस समय जी, और नॉन क्लियर कितने जी? आपने कहा तीन क्लियर हैं, नॉन क्लियर कितने, मतलब संदिग्ध कितने हैं? संदिग्ध यहाँ पर इस समय जो है छह संदिग्ध बताए गए हैं, जिसमें जो है आर एम एस जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें तीन डॉक्टर है और तीन नर्स है जो संदिग्ध बताई गई है। जी जी, सैंपल कुल कितने लिए गए? सैंपल यहाँ पर इस समय जो है 4500 सैंपल जा चुके हैं, क्योंकि अभी जांच के दायरे में टाइम कर लिया गया है। अशोक, वहाँ पर क्या चार पेशेंट थे, क्योंकि एक की मौत 29 तारीख को हो गई है, वहाँ पहली मौत? ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव है जिसमें जो है इलाज के दौरान मौत हुई है, और बाकी जो है इलाज के दौरान चल रहे हैं, अभी क्वारंटाइन किए हुए हैं और आइसोलेशन वार्ड में है। क्या ये जो तीन है ये बाहर से आए हैं, जो चौथे जिनकी डेथ हो गई वो भी बाहर से आए थे क्या, वो कैसे संक्रमित हुए? मैं आपको बता दूँ, जो पेशेंट की मौत हुई है जो कोरोना वायरस बताया जा रहा है, वो यहाँ के लोकल ही रहने वाले थे हजियापुर क्षेत्र के, और वो एक खुद स्वास्थ्य विभाग में एक काम करते थे, जो डाट का काम करते थे, और वो अलग अलग मरीजों को जो टीबी के मरीज थे उसकी दवाई बांटा करते थे। जी जी, मतलब वो पहले से बीमार थे? जी, उनके जब पहले से बीमार थे, उनके कई घातक बीमारियां थी जिसके कारण उसकी मौत बताई गई है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनके जो संक्रमित थे जिनकी डेथ हो गई है, क्या उनके परिवार वाले उन लोगों को सैंपल भेजे गए हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कौन कौन से लोग उनके संक्रमित उसमें प्रभाव में आए थे, उनसे मिले थे, ऐसा कुछ क्या कुछ, क्योंकि प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस मौत के बाद ऐसी खबर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके परिवार में जो है इनकी पत्नी थी, इनके बच्चे थे, इनकी माँ थी और इनके भाई थे। जब इनका सैंपल लिया गया है तो इनकी माँ और इनके भाई जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको जो है की टीम ने अपने उसमें ले लिया, अंडर में ले लिया है, बाकी और जांच के लिए सैंपल गए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर संजय है जी। संजय, आप जिक्र कर रहे थे, मैं जैसे बता रहा था और सर का क्वेश्चन था, पुलिस किस प्रकार से अपने घर से बैठकर कार्य को अंजाम देगी। सर, मैं ये बता रहा था कि इसमें कहीं जैसे डीआई हैं, एसपी है, जो उस क्षेत्र के एसपी है उनको, और जो वहाँ के सीएसपी है उनको, और जो एसआई लेवल के अधिकारी हैं जिनको फील्ड का ज्यादा वास्ता पड़ा था, अब उन्हें ये बोला गया है कि अब आप थोड़े दिन का आराम करके और घर पर रह के फिर अब आपको काम को अंजाम देना है। सर, इसका एक नमूना और देखने को मिला कि जैसे ही छुट्टी बात आती है और जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है जेल मुख्यालय में ही आज जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि चोरी हो गई 1 लाख की, तो सर जो आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार से काम करेंगे, तो ये अंजाम देखने को वहीं से मिल रहा है। सर, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने भी अब जिस प्रकार से ये बोला गया था कि अब नगर निगम अपने मुस्तैदी दिखाते हुए जो लोग मुंह पे मास्क लगाए हुए नहीं दिख रहे हैं उनके ऊपर बुरी मतलब चालानी कार्रवाई कर रही है। चाहे कोई भी बंदा किसी भी वार्ड में किसी भी रूप में घूमता मिलेगा या वार्ड फेस पे अगर उसके मास्क नहीं लगा होगा तो नगर निगम और पुलिस कर्मी उसका चालान बना रहे हैं। अभी तक अगर ये बात कही जाए तो अभी तक भोपाल महेश त्रिवेदी जुड़ गए सुल्तानपुर से। महेश, सुल्तानपुर में कितने क्या मरीज मिले हैं और कितने लोग क्वारंटाइन किए गए, सैंपलिंग कितने लोगों की हो चुकी है? सर, अभी तक जो मरीज पॉजिटिव मिले हैं उनकी संख्या है 3 और क्वारंटाइन किए गए हैं लगभग 25,000, जिनमें उनके घरों में भी क्वारंटाइन किया गया है, उनके सेंटर जो बनाए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसमें भी किया गया है, तो इनकी संख्या लगभग 25,000 के आसपास है। सर, 25,000 ये तो स्क्रीनिंग की हुई होगी, 25,000 सैंपल थोड़ी लिए गए होंगे? सैंपल सर सिर्फ 517 सैंपल लिए गए हैं अभी तक। थोड़ा मास्क नीचे कर लें 2 मिनट के लिए जी। सर, मास्क आपने थोड़ा सा अलग कर लें तो आवाज ढंग से आएगी, मुश्किल से 10-20 सेकंड के लिए। मास्क महेश, जो आपने मास्क पहन रखा है सुरक्षा के लिए, एहतियात के लिए, हाँ उसे नीचे दीजिए। आप बताएं, स्पष्ट आवाज आ जाएगी जी। अभी तक सर यहाँ पे जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के उनकी संख्या मात्र 3 है।
में आया था, छत्तीसगढ़ थान क्षेत्र के घेमा गांव का निवासी था। उसको